नमस्कार दोस्तों, कैसी आप सभी हो, बढ़िया होगे। तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं अपने ऑर्चर्ड में, सेब के बगीचे में। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपना ऑर्चर्ड। और मैं हूं इस टाइम अपने विलेज में। तो मेरा विलेज है नवासार के हाइट पे। तो आइए चलते हैं, आपको मैं अपना ऑर्चर्ड दिखा देता हूँ। और मैं इस टाइम अभी टाइम बच चुके हैं 4। तो चलिए वीडियो को, इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज खेत का काम है और मुझे आज पानी भरना है, और तो कल स्प्रे होगी। तो अभी आप देख रहे हैं, ये मैंने ड्रम लगाया है, इसमें पानी आधे तक भर चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ से पाइप बिछाई गई है और सेब देख सकते हैं, मतलब सेब के जो दाने हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं इस टाइम, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो लगभग इनमें अभी कोई भी डिजीज नहीं लगी है, अभी तक कोई बीमारी देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो फिलहाल अभी हफ्ते के अंदर स्कैब आने की शिकायत है, तो हम एडवांस में हम इसके लिए स्प्रे कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में इसमें कोई भी बीमारी ना लगे। ये हमने पहले भर के रखा हुआ है ड्रम, और इसमें फुल हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ का आप एक बार व्यू देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर, और मौसम भी आप देख रहे हैं कि मौसम तो बिल्कुल एकदम साफ है। और दोस्तों ये मेरा खेत है, पे है प्यारे प्यारे से फूल लगे हुए। तो कुछ छोटे पौधे हैं, कुछ बड़े हैं, और आप देख रहे हैं ये दाने सेब के लगे हुए हैं। ये है दोस्तों, ये तो आप समझ ही गए होंगे ये किसकी खेती है। और दरअसल ये खेती नहीं की गई है, अपने आप लगी हुई है, और इसे अपनी लोकल लैंग्वेज में भांग कहा जाता है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यहाँ से व्यू का नज़ारा, काफ़ी ओसम आ रहा है। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है बिच्छू बूटी। तो ये आप देख रहे हैं, ये बगीचे में सब जगह लगी हुई है। तो इसे टच करने से इसके जो छोटे छोटे कांटे हैं ये लगते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, ये है मूली, शलगम, और ये आप देख रहे हैं, और मैंने बीच बीच में लगाए हुए हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं, ये जो सेब का तौलिया है इनमें सब में घास कट चुका है। इसे दोस्तों इसलिए काटते हैं ताकि ये फंगस के थ्रू कोई बीमारी पैदा ना हो, तो इसलिए ये अभी पूरे ऑर्चर्ड में काट रहे हैं। तो अभी लगभग फिलहाल यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से काटा हुआ है सारा। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है अखरोट का पेड़। और दोस्तों आप ये देख रहे हैं, अभी ये है कुछ न्यू वैरायटी, सबसे पहले तैयार हो जाता है। और इसका आप साइज़ देख सकते हैं, ये इसका साइज़ है। और अब आपको मैं रॉयल का साइज़ दिखाता हूँ, ये है रॉयल का साइज़, रेड गोल्डन। अभी आप इसका साइज़ देख रहे हैं, सबसे छोटा साइज़ इसका है, और ये सबसे ज़्यादा लगा हुआ होता है। का व्यू कुछ इस तरह का हो चुका है। और ये है दोस्तों गोबर, और
और ये रखा गया है यहाँ पे, और अभी ये सड़ने के लिए रखा गया है ताकि ये अच्छा बन पाए, और उसके बाद ये सबसे लास्ट में डाल देते हैं सेब के तौलिए में। तो अभी शाम के बज चुके हैं टाइम 6, तो आप देख सकते हैं शाम का व्यू कुछ इस तरह का हो चुका है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक है, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।